सिनेमा जगत की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक गिनी जाती हैं वहीदा रहमान। अपने दौर में वहीदा रहमान ने काफ़ी नाम कमाया था अपनी दमदार एक्टिंग के चलते। तो वहीं फिल्मों के अलावा वहीदा रहमान काफ़ी चर्चा में रही थी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। लेकिन जहां एक और वहीदा रहमान को लेकर कभी भी ये सुनने में नहीं मिला कि वहीदा रहमान की अपने कोस्टार्स के साथ झगड़ा हुआ है, वहीं दूसरी ओर वहीदा रहमान एक बार इतनी बुरी मुसीबत में फंस गई थी कि वो सोच में पड़ गई थी कि आखिरकार क्या किया जाए। दरअसल आपको बता दें, ये बात तब की है जब फिल्म रेशमा और सेरा में वहीदा काम कर रही थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और सुनील दत्त भी थे। सुनील दत्त और वहीदा रहमान रेशमा और शेरा का किरदार निभा रहे थे, तो वहीं अमिताभ बच्चन सुनील दत्त के छोटे भाई का किरदार। लेकिन एक वक्त ऐसा भी सीन आया जब वहीदा को थप्पड़ मारना था अमिताभ बच्चन को, और उस दौरान जैसे ही वहीदा ने डायरेक्टर के मुंह से इस सीन के बारे में सुना तो वहीदा हैरान रह गई और वो सोच में पड़ गई कि आखिरकार अमिताभ बच्चन को वो थप्पड़ कैसे मार सकती हैं। और वहीं दूसरी ओर जब उनकी माँ तेजी बच्चन भी सेट पर मौजूद हो, ऐसे में वहीदा रहमान मन ही मन सोचने लगी थी कि भला ऐसा कैसे कर सकते हैं, और उनको चिंता सताने लगी थी कि वो अमिताभ को थप्पड़ कैसे मारेंगे। वहीं दूसरी ओर जैसे ही अमिताभ की मां तेजी बच्चन ने इस सीन के बारे में सुना तो वो भी हैरान रह गई, और इस बात को सुनने के बाद वो भी टेंशन में आ गई। दरअसल एक माँ होने के नाते अपने बेटे को एक लड़की के हाथों थप्पड़ खाते हुए वो कैसे देख सकती थी, चाहे वो फिल्म ही क्यों ना हो। लेकिन माँ तेजी बच्चन के लिए ये बहुत ही बड़ा मुश्किल दौर था, और उस दौरान तेजी बच्चन वहीदा रहमान के पास पहुंच गई थी। अमिताभ की माँ को यूं सामने देखकर वहीदा रहमान भी डर गई थी, और उन्हें लगा कि अब शायद कोई मुसीबत आ गई है। लेकिन इससे पहले वहीदा रहमान उनसे कुछ बोलती, उससे पहले ही उन्होंने अपनी मन की बात उनके सामने रख दी थी। उन्होंने वहीदा रहमान से कहा था कि सुनो, मेरे बेटे को थप्पड़ तुम जरा धीरे से मारना। और उसके बाद वहीदा रहमान और भी ज़्यादा टेंशन में आ गई। वहीदा अमिताभ की माँ की बात को सुन रही थी, तो वहीं दूसरी ओर उनके मन में ये टेंशन थी कि मैं डायरेक्टर की बात सुनूँ या फिर उनकी माँ की। ऐसे में किसी ना किसी बहाने से अमिताभ बच्चन की माँ को शूटिंग के सेट से कहीं और ले जाया गया, और तब जाकर वहीदा ने थप्पड़ वाला सीन भी शूट किया। अमिताभ बच्चन को उन्होंने जोर से थप्पड़ भी मार दिया था। लेकिन जहां एक ओर अमिताभ बच्चन और वहीं दूसरी ओर वहीदा रहमान, लेकिन अमिताभ की मां को इसके बारे में पता नहीं चला। वहीं अगर बात की जाए इस फिल्म के बारे में, तो जब ये फिल्म रिलीज हो गई तब उन्होंने सीन को देखा तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और अमिताभ बच्चन और वहीदा रहमान के इस सीन को देखने के बाद वो भी हैरान रह गए। और इस तरीके से अमिताभ बच्चन और वहीदा रहमान का ये किस्सा काफ़ी मशहूर हो गया। हमारी इस खास रिपोर्ट में दर्शकों इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।